मैं आज अबू धाबी में आने वाले महीनों में लोकार्पित होने वाला स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से बनाए जाने वाला हिंदू टेम्पल को, हिंदू मंदिर को आज दर्शन के लिए आया था। जब ये निर्माण हो रहा है उस समय में मेरे को इसकी दर्शन का सौभाग्य मिला। यहाँ मेरे को लगता है कि पहली बार भारतीय सभ्यता को आधुनिक तौर तरीके के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विश्व की जो मानस है, विश्व की जो अवस्था है, उस समय में हमारी भारतीयता, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की मूल तत्व, हमारी वेदों में लिखी गई मूल संस्कृति को इस मंदिर परिसर में प्रतिफलित किया गया है। मैं इसके लिए विशेष करके स्वामीनारायण संप्रदाय के समस्त पूज्य स्वामी जियों का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस मंदिर का कल्पना किया। प्रमुख स्वामी जी ने कई दशक पहले इसके बारे में कल्पना किया था जो आज साकार हो रहा है। मैं भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा। उनकी सहयोग से, उनकी नेतृत्व से ये मंदिर बन पा रहा है। मैं विशेष करके अबू धाबी की राजा महोदय को आभार प्रकट करना चाहूँगा, यहाँ की नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनकी सहृदयता के कारण ये भूमि हम लोगों को मिली है, मंदिर आज बन रही है। केवल भारतीय मूल के लोग नहीं, केवल हिंदू लोग नहीं, उनमें से विश्व की सभी संप्रदाय मत पंथ के लोगों की इसमें से आवेग जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण के समय में कई देशों के एम्बेसडर्स यहाँ पहुँचे हैं, कई देशों की कारीगर इस काम पर लगे हैं। और विशेष करके मैं मेरे मूल प्रदेश उड़ीसा की जो कारीगर जिनकी हस्तशिल्प से ये सुंदर मूर्तियाँ बनी है, रामायण की वर्णन हुई है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की वर्णन हुई है, जिसमें शिव पुराण की वर्णन हुई है, भारत की नदियों के बारे में कहा गया है और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता के बारे में कहा गया है, उनकी निखुण कारीगरी से हमारी प्रदेश की, हमारी देश की, हमारी सभ्यता की गौरव बढ़ी है। मैं विशेष करके स्वामी जी का आभारी हूँ। कुछ साल पहले जब इस मंदिर की कल्पना हो रही थी, मैं यहाँ अबू धाबी दुबई में आते जाता रहता था। यहाँ की हमारी उड़ीसा की भाई बहनों ने स्वामी जी को अनुरोध किया था कि यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी एक विग्रह, एक मंदिर स्थापित हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने उड़िया लोगों की ओर से स्वामी जी को, आदरणीय परम पूज्य ब्रह्म बिहारी जी को अनुरोध किया था। उन्होंने उसको सहृदयता के साथ अकोमोडेट भी किया। बाद में हमारे पुरी के गजपति महाराजा भी आए थे, उन्होंने भी इस विग्रह की सारे धार्मिक मान्यताओं के बारे में हमें आज बताया गया। यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी के साथ सुदर्शन जी का भी यहाँ चतुर्धा मूर्ति का स्थापित किया जाएगा जब इसकी लोकार्पित किया जाएगा। मैं मेरे प्रदेश की ओर से भी आभार प्रकट करता हूँ। समग्र भारतीयता की ये एक आधुनिक समय में एक प्रयोगशाला है। वैश्विक भाईचारा, ग्लोबल सिटीजनशिप के प्रति हमारी उत्तरदायित्व इस मंदिर के माध्यम से विश्व शांति के लिए प्रतिफलित होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। टू बी ओपन्ड द बीएपीएस हिंदू मंदिर, इट्स अ स्पिरिचुअल ओएसिस फॉर ग्लोबल हार्मनी एंड इमेजिन अ मुस्लिम किंग डोनेटिंग लैंड टू अ हिंदू टेम्पल वेयर आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज अ सिख, द लीड आर्किटेक्ट इज अ क्रिश्चियन, वेयर द कंस्ट्रक्शन कंपनी इज पारसीज and where people of all faiths and people have joined together to create this mandir. In couple of months the mandir will be opened. It is the first traditional stone mandir in Abu Dhabi and in this part of the region. It is going to spread harmony because we are actually creating seven spires, saat shikhar. Usme hamare jo mukhya devtao hai wo Bhagwan Shri स्वामीनारायण, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री शिव पार्वती, श्री अयप्पा जी, श्री तिरुपति बालाजी एंड जगन्नाथ जी, वो सबकी मूर्तियाँ होगी और सबकी कहानियाँ वो मंदिर में कार करके वो दीवार में रखी है मंडोवर में, वो भी आप देख सकेंगे। दिस विल बी अ प्लेस वेयर द वाटर्स ऑफ गंगा, यमुना एंड सरस्वती विल बी ब्रॉट एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी बिकॉज ऑफ
the deep spirituality of Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj, the great generosity of the rulers of this land, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and also the integrity of India's Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, who has constantly supported. So everybody from across the world, bhakta ho, leaders ho, or community, or volunteers, ek ho kar ye mandir bana rahe hai, to wo couple of months mein uska udghatan hoga. My loving invitation to everybody who, whenever they come, they should come down, have darshan of this great mandir after its opening. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।